हेलो फ्रेंड्स, फुद्दू स्टेप हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। इस इफेक्ट को बनाने के लिए मैंने काइन मास्टर और पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और ये जो वाला न्यू टेक्स्चर आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आप इसे डिलीट कर दीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आपको डिलीट कर देने के बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकन नज़र आ रहा है तो यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जाओगे यहाँ नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको ब्लैक चूज़ कर लेना है और ब्लैक चूज़ कर देने के बाद आपको यहाँ पर राइट सिंबल पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप राइट सिंबल पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद प्लस आइकन, फिर सेम प्रोसेस वेब पे क्लिक करना है और आपको वेब को कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेना है और थोड़ा सा चौड़ा भी कर लेना है। चौड़ा करने के बाद बिल्कुल आप जैसे तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ आप भी इस तरीके से इसे ब्लैक वाले पट्टी के ऊपर जो वेब है उसके ऊपर आपको सेट कर देना है। फ्रेंड्स, सेट करने के बाद राइट सिंबल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ये क्लिक कर दो तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसको सेट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से खूब अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा वक्त दोगे अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। सेट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, दोनों को आपको टिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद इसे मर्ज कर देना है। फ्रेंड्स, इसे मर्ज करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर दोगे ये साइड में हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ प्लस आइकन, फ्रॉम गैलरी और अपनी पिक को ले लेना है जो आप पिक को यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी पिक को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी पिक आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिक सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद वन रेशियो वन को आपको सिलेक्ट कर लीजिए, पहला जो रेशियो है इसको सिलेक्ट कर दीजिए, फिर राइट फिंगर पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कुछ इस तरीके से सेट कर लीजिए। तो आप फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ पर सेट कर लीजिए और फिर करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको लेयर नज़र आए, यहाँ लेयर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद टॉप पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। टॉप पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर सेव एस इमेज, उसके बाद सेव टू गैलरी पे कर दीजिए और इसे अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और फिर इस इमेज को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद प्लस आइकन, फ्रॉम गैलरी और दूसरी पिक ले लीजिए। आप दूसरी पिक को लेने के बाद आपको पहले अपनी रेशियो सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से 1:1 सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद राइट सिंबल, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके इमेज को बड़ा कर लीजिए और बिल्कुल सिर्फ ब्लैक पट्टी के ऊपर आप सेव के ऊपर आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है सेम प्रोसेस के साथ में। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ सभी इमेज के साथ सेम प्रोसेस करना है। आप यहाँ पर आप इसे भी सेव कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि हमारा और आपको दोनों का वक्त बच जाए। फ्रेंड्स, आप सेम प्रोसेस के साथ आप अपनी इमेज को ले लीजिए और बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पिक्सल लैब का प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है, उसके बाद आपको रेशियो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको मीडिया ब्राउज़र में जाना है। मीडिया ब्राउज़र में जाने के बाद ये वाली इमेज ले लेनी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और जितनी वीडियो की साइज़ को रखना है उतना इसके लेयर को आपको
कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट सिंबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं जूम आउट और जूम इन हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जो जूम इन जूम आउट हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ राइट सिंबल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको मीडिया में जाना है। तो यहाँ पर मीडिया में जाने के बाद आपको वो वाली इमेज ले लेनी है जो आपने पिक्सल लैब से बनाया है। तो फ्रेंड्स आपको वो वाली इमेज ले लेनी है, कोई भी इमेज आप जो सबसे पहले लगाना चाहते हो, और उस इमेज को ले लेनी है। उसके बाद लेने के बाद यहाँ पे आपको ले लेना है इमेज के, उसके बाद इसकी भी लेयर को आपको पूरे वीडियो में कर देना है। वीडियो में करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एनिमेशन की नज़र आ रही है इस साइड में, तो आपको एनिमेशन की पर क्लिक करना है। उसके बाद एक साइड में हाइड करते हुए इसमें एनिमेट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरफ पहले हाइड कर दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा जो आपके वीडियो है थोड़ा सा आगे खिसका दीजिए। थोड़ा सा 2-3 सेकंड आगे खिसकाने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके एक और डॉट दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाइए अपने हिसाब से। जितने टाइम में आप यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे रख दीजिए। फिर यहाँ पे इस तरीके से रख दोगे, जब खिसका दोगे तो एक डॉट ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। उसके बाद लेयर में जाइए, फिर मीडिया में जाइए, और एक अपनी दूसरी इमेज ले लीजिए जो आप रखना चाहते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपने पिक्सल लैब से इमेज बनाया वाली इमेज एक और इम्पोर्ट कर लीजिए। एक इंपोर्ट करने के बाद आपको इमेज की जो आपकी लेयर है इसको भी पूरे वीडियो में कर दीजिए, और उसमें भी सेम प्रोसेस कर लीजिए। एक दूसरी तरफ हाइड कर दीजिए कहीं दूसरी तरफ, जिस तरफ से आप एनिमेट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको ध्यान देना है, जितनी भी आपको इमेज है फ्रेम प्रोसेस करना है, आपको यही प्रोसेस करना है। थोड़ा सा आगे जाना है, एक डॉट देना है, उसके बाद थोड़ा आगे जाते हुए यहाँ पर ला के बिल्कुल फिट कर देना है जहाँ पर भी आप एनिमेट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जितनी भी इमेज है, जितनी भी इमेज आप यहाँ पर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, अनलिमिटेड इमेज लगा सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इमेज लगा रहे हैं, वीडियो लेयर तो लगा नहीं रहे हैं आप, तो यहाँ पे इमेज लेयर है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप रख दीजिए। फ्रेंड्स तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि वक्त बच जाए, नहीं तो वीडियो की साइज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देते रहोगे तो आपकी वीडियो समझ आ जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया था तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं।